वेलकम टू द वन एकेडमी। अब हम नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन देखते हैं। अब एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है WTO का, ये जो मेरी सब्सिडीज होता है उसको तीन बॉक्सेस में कंबाइन करता है, अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। अम्बर बॉक्स वो सब्सिडी होती है जो मोस्ट डायरेक्टली लिंक टू प्रोडक्शन लेवल होती है, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी दे दी। फिर होता है मेरा ब्लू, ब्लू होता है प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज होती हैं, ठीक है, जो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको कहा जाता है कि आपको इससे ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करना, लेकिन ये भी मेरा स्टेट को डिस्टॉर्ट करती है। फिर होते हैं ग्रीन, ग्रीन मेरा बहुत कम डिस्टॉर्ट करती है, फॉर एग्जांपल R&D वगैरह में इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट। तो ये तीन, अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स, तीन तरह के सब्सिडीज का क्लासिफिकेशन है। तो क्वेश्चन क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स इन द न्यूज़। तो पहला है WTO अफेयर्स, यस बिल्कुल ठीक है, WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और ये मेरा SAARC अफेयर्स गलत है, UNFCCC अफेयर्स गलत है, और मेरा ये इंडिया EU नेगोशिएशन, ये तीनों गलत है। तो माई आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कैपिटल बजट के बारे में पूछा है। अब कैपिटल बजट के अंदर मेरा कुछ तो रिसिप्ट होंगी और मेरा कुछ मेरा पेमेंट्स होंगे, ठीक है। अब मेरा कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स होता है जो मेरे को पैसा मिल रहा है, तो जो लोन्स जो मेरी गवर्नमेंट पब्लिक से रेज कर रही है, या जो गवर्नमेंट की बोरिंग है रिजर्व बैंक से या किसी और पार्टी से, कैसे, बाय सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी बिल्स सेल करती है और मनी बोरो करती है। इसके अलावा जो लोन्स गवर्नमेंट फॉरेन बॉडीज और गवर्नमेंट से रेज करते हैं, और गवर्नमेंट कुछ लोन्स भी देती है बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, तो जब वो लोन वापस मिल जाते हैं हम लोग गवर्नमेंट को, तो वो भी मेरा कैपिटल रिसिप्ट्स बनता है। अब कैपिटल पेमेंट में क्या होता है, कैपिटल पेमेंट होता है एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट, जैसे कि गवर्नमेंट कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रही है या रोड्स लगा रही है, मेरी कैपिटल एसेट्स हैं, इनके ऊपर जो खर्चा होता है उसे कैपिटल पेमेंट्स बोलते हैं। और जो गवर्नमेंट लोन और एडवांसेस बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को देते हैं, वो भी मेरा कैपिटल पेमेंट्स के अंदर आता है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ असेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी, ये सही है ये। दूसरा है लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, यस ये मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। दूसरा है लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यस ये मेरा कैपिटल पेमेंट है। तो मेरा तीनों कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट कैपिटल बजट के पार्ट होते हैं, तो मेरा तीनों ठीक है। सो माई आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के बारे में। अब द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, ये इसका एक स्पेशल फोकस है अफ्रीका के ऊपर। उसमें करना क्या है, ये मेरा डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करेगा और मिटिगेट करेगा द इफेक्ट ऑफ ड्रॉफ्ट, कैसे, ये हेल्प करेगा नेशन को कि वो अपना एक एक्शन प्रोग्राम बनाए, उसके अंदर वो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजीज होती है उनको इनकॉर्पोरेट करेगा, अपना इंटरनेशनल जो कॉर्पोरेशन करेगा और पार्टनरशिप अरेंजमेंट्स करेगा उनके साथ। तो एक पार्टनरशिप होगा इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ड्रॉफ्ट, ये मेरा डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड कन्वेंशन है। और इसके अंदर हम एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच फॉलो करेंगे जिसके अंदर हम लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ आर द इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंसेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। पहला बोल रहा है, इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। ये हमने देख लिया, नेशनल प्रोग्राम्स बनेगा और मेरा पार्टनरशिप अरेंजमेंट्स बनेंगे, तो फर्स्ट इज़ राइट। सेकेंड है, इट हैज़ अ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन एंड इट्स सेक्रेटेरिएट फैसिलिटेट्स द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दीज रीजन। जो फोकस है वो अफ्रीका पे है मेरा, साउथ एशिया नहीं है। इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच एंड एनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। यस पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल है इसके अंदर, तो मेरा थ्री भी ठीक है। तो वन एंड थ्री मेरा राइट है। वो पूछ रहा है कौन सा करेक्ट आंसर, तो वन एंड थ्री मीन सी इज़ माई आंसर। 64 वो IMF के SDR के बारे में पूछ रहा है। अभी जो SDR है उसकी बास्केट के अंदर चार करेंसी है मेरी, US का डॉलर है, यूरो है, जापानीज का येन है और पाउंड का स्टर्लिंग है। और विद इफेक्ट फ्रॉम October 2016 देन मिनबी भी इसके बास्केट के अंदर ऐड हो जाएगा।
तो क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज़ बीन प्रपोज टू बी एडेड टू द बास्केट ऑफ IMF SDR, तो रूबल नहीं है, रैंड नहीं है, इंडियन रुपी नहीं है, रेनबी इज राइट, माई आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के बारे में. ये जो IMFC है ये IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर को एडवाइस करती है, किसके लिए, ऑन सुपरविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम. एक IMF की एक एडवाइजरी बॉडी होती है, ये एक इट हैज़ बिकम अ की इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू द वर्क एंड पॉलिसीज ऑफ द फंड. फंड को कैसे काम करना चाहिए उसको एडवाइस करती है, डायरेक्शन देती है. ये जो होती है IMFC मेरा एक साल में लगभग दो बार मीट करती है. IMF यूजली मीट्स ट्वाइस अ ईयर. अब IMFC के अंदर 24 मेंबर्स होते हैं. ये कहाँ से चूज़ किए जाते हैं, ये मेरे सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मिनिस्टर्स या कंपेरेबल रैंक का मेंबर होते हैं. ये कहाँ से चूज़ किए जाते हैं, IMF के अंदर 189 मेंबर कंट्रीज होती हैं, तो यहाँ से मेरे 24 मेंबर्स चूज़ किए जाते हैं. और नंबर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक है वो इस IMFC की मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एज ऑब्जर्वर. क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. IMFC discusses matters of concern affecting the global economy and advises the International Monetary Fund on the direction of the work. Yes, वो advisory body की तरह काम करती है IMF को कि कैसे उसको काम करना है. सही है मेरा. The World Bank participates as observer in the IMFC's meeting. बिल्कुल ठीक है, ये हमने देखा अभी. तो मेरे both 1 and 2 are right. So my answer is C. Thank you. बाकी questions हम next video में देखेंगे.